मुझे पता है दादा ने ऐसा क्यों किया। तो हमें भी बताओ। चैरिटी ब्रो, ऐसे गरीब और जरूरतमंदों की हेल्प करना उनकी आदत, ऐसी चीजें करते रहते हैं वो। चौहान, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ईशान सर का इंतजार, उनसे जरूरी बात करनी है। ईशान सर आज थोड़ी आने वाले हैं यहाँ पे, एक तो आज रविवार है और दूसरा उनको किसी निजी कार्यक्रम में जाना है, हम भी जा रहे हैं वहाँ। वो एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें उनका हस्ताक्षर चाहिए, स्कैन कॉपी भेजना है शिक्षा विभाग में। तुमको जरूरी काम था क्या? हाँ, वो जहाँ गए वहाँ का एड्रेस है आपके पास? मसला इतना गंभीर है? हाँ, आप एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस की जरूरत क्या है, हम तो जा ही रहे हैं ना, तुम भी साथ में चले चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्या बात है सावी, गुस्सा हुआ हम पे? क्यों ना रहूं मैं आप पे गुस्सा, कल झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे आप मुझसे, बाजी सर ने अरेंज किया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो मैं क्यों ना रहूं आपसे गुस्सा? वो सब तो सरप्राइज पार्टी के लिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी दादा, आप मुझे एड्रेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ठीक है लिखो एड्रेस, मंदार पाटिल, आशुतोष मेंशन, कोरेगांव पार्क, पुणे। राव साहब, तुम्हें हालात बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ये अचानक से आने का प्लान कैसे बन गया? क्या है ना पाटिल साहब, आज संडे है, तो सोचा कि आगे की सारी बातें आज ही खत्म कर देते, तय कर देते सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें का इतनी ज्ञान? हाँ, प्लीज। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। वो मुझे कुछ पूछना था आपसे। ये जो बाहर आशुतोष मेंशन राइट किया हो, मतलब जो लिखा हुआ है, ये किसका नाम है? मेरे बाबा का। मंजे? आप दोनों के बाबा का? मंजे दोनों का नाम आशुतोष? नहीं नहीं, दरअसल आशुतोष मेरे बाबा का नाम है, तो इनके भी तो बाबा जैसे ही हुए ना। अच्छा। ईशान, पानी, जरा पानी मंगवा दीजिए ना प्लीज। राजू, अरे बाबा राकेश है। राकेश, अरे पानी लाना जरा राकेश। बेटा वहां दो। थैंक यू। वो क्या है ना, ये अभी नया नया काम पर आया है, पहले राजू ही था पर वो अपने गांव गया हुआ है, इसलिए बाबा के मुंह से बार बार राजू निकल जाता है। वॉशरूम किधर है? वो मुझे हाथ धोने थे ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ हाँ, आइए ना मैं दिखाती हूँ। जरूर ये टॉयलेट जाने के बहाने पूरा घर दिख के आएगी। चले? हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। आइए आइए आइए, यहाँ से आइए। हाँ। तो बताइए राव साहब, क्या सोचा है आपने? मेरा मतलब कौन सी तारीख तय करनी है? निशी सांग, कब की तारीख तय करनी है? साहब आपके और वहीनी के रहते मैं कैसे, आप दोनों जो डिसाइड करेंगे सो एकदम सही। अरे बेटी का मामला है, इसमें ना ये सब बातें तय करने में माँ बाप को आगे होना चाहिए। अतः तू मला सांग कि साकर बूढ़ा कब करना है और शादी कब करनी है। साहब मेरे हिसाब से एक आधे महीने में कोई अच्छी तारीख निकाल कर एकदम धूमधाम से पहले साकर बूढ़ा करते हैं, और लगभग अगले साल दिवाली के समय शादी। काय पाटिल साहब? अगली दिवाली? तब तक ये सारा दिखावा करते हुए मेरी किडनियां बिक जाएंगी। हो पाटिल साहब, अगली दिवाली बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छी बात है, तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, और इस एक साल के वक्त को अपना डेटिंग पीरियड समझो। ये डेटिंग पीरियड की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी पश्चिमी सभ्यता है जिसने हमारी संस्कृति को बिगाड़ कर रखा है। भाई हमारे यहाँ तो चट मंगनी और पट ब्याह होता है ना? वैसे मैं भी थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का हूँ अक्का साहब, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है।
ओए चीजू को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं। राव साहब मैं तो कहता हूं परसों कोजागिरी पूर्णिमा है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, उसी दिन साखरपुड़ा कर लेते और फिर अगले महीने शादी। काय मनते पाटिल से, अरे इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? हाँ और आपके मेहमान? हमारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। क्यों? उनका इंतजार करेंगे तो बहुत रुकना पड़ेगा। बुरा ना माने तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फंक्शन जितना छोटा हो उतना अच्छा है, दुनिया को दिखाकर क्या मिलेगा? तो फैमिली में फंक्शन कर लेते हैं छोटा सा ही, और तैयारी भी कम करनी पड़ेगी। परसों हम एंगेजमेंट कर लेते हैं और अगले महीने ही डेस्टिनेशन वेडिंग। वाह भारत सांगल, हाँ सुरेखा हमारे होने वाले दामाद जी ने सारी प्लानिंग करके रखी हुई है। आशुतोष मैंशन कहाँ ढूंढूं? आपको भी आपको। तो फिर तय रहा, साखरपुड़ा कोजागिरी पूर्णिमा के दिन ही होगा। वो रहा। अब जब हम समधी बनी गए तो चलिए मैं खाना लगवाता हूँ। अरे नहीं 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 पटेल साहब, देखो नाश्ते के लिए आए थे, नाश्ता हो गया बस अभी चलेंगे। असर असर राव साहब, अब तो हम समधी होने वाले हैं, आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे हम। पाटिल साहब तुम्हें बोल ले 30 खुपे हमसे साठी, और वैसे भी बहुत जल्दी ये मेरी बेटी का घर होने वाला है, हमारे में बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। अरे वैसे हम रीति रिवाजों में तो बिलीव करते हैं बट पिछड़े हुए नहीं। जैसे भोसले मेंशन मेरा घर है, वैसे ये आशुतोष मेंशन दुर्वा का है। दुर्वा की शादी करके आप बेटी विदा नहीं करे, बल्कि आपके घर पे एक बेटा भी आ रहा है। तेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा बाड़ा, लेकिन क्या है ना, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, उन्हें वैसे ही निभाना चाहिए। तो अब इजाजत दीजिए हमें, मैं शगुन लेके आई थी। कशला हेलो मैडम, किधर जा रही हैं आप? आशुतोष मैंशन है ना, ये मुझे ईशान सर से बात करनी है। देखिए अंदर कुछ मेहमान आए हुए हैं और पता नहीं उनमें से ईशान कौन होंगे, आप फोन करके देख लीजिए पहले। राव साहब यानी बाहर छोड़ दो। चलो अच्छा। यस मैम। क्या मैडम? ये सभी ईशान को बार बार कॉल क्यों कर रही है? मैडम आप पीछे हटिए, साहब लोग आ रहे हैं। अरे ईशान कहाँ रह गए थे तू? वो मैं बस काका साहब आप लोग चलिए मैं आता हूँ। क्यों? वो शुक्ला जी को अर्जेंटली किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कराना था तो मैंने उनको यहीं बुला लिया है, तो मैं वो साइन करके आता हूँ। ईशान सर। सभी चावल
काय रिशन, तू तो बोला कि शुक्ला आने वाला है, तो सभी सवारी क्या कर रही है? मुझे भी नहीं पता ये यहाँ पे क्या कर रही है। पता नहीं है, बताना नहीं चाहता। चलिए सर। क्या कर रही हो आप? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं सर, इनफैक्ट कुछ देने आई हूँ। मुझे ना तो किसी की भीख की जरूरत है और ना ही किसी के एहसान की। मुझे तो नहीं याद कि मैंने तुम्हें कोई भीख दी थी या फिर तुम पर कोई एहसान किया था। अच्छा, तो कैंटीन का बिल पे करना भीख और ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं था? सही चीजों को गलत नजरिए से लेने का जो टैलेंट है ना तुम्हें, वो कमाल है सभी। लेकिन तुम्हारे इस बेहुदा और बकवास इल्जामों की सफाई देने का ना तो मेरे पास अभी वक्त है, ना ही मेरा मूड है। तो तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो। जैसे आप सोचते हैं, आप ना खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं सर, अब ना सिर्फ सामने वाले को छोटा समझते बल्कि उन्हें महसूस भी करवाते हैं। जैसे अभी भी आप वही कर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब देना तो दूर, इग्नोर करके निकल रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? सर, मेरे बर्थडे की जो सरप्राइज पार्टी आपने प्लान की थी, एक चैरिटी की थी, राइट? वाओ सभी वाओ। कोई जब नॉर्मल इंसान होता है उसे बर्थडे पार्टी सरप्राइज देते हैं ना, तो फिर वो इंसान खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे स्पेशल फील कराया जा रहा है। लेकिन कोई महा बेवकूफी होगा जिसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी पे, वो ये समझेगा कि उसके ऊपर किसी ने चैरिटी की है। ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी की कीमत क्या थी सर? मेरा आत्मसम्मान या मेरी इज्जत? ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की या फिर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है? जरा मुझे बताना ये अजूबा मैंने कैसे किया। बताऊंगी सर, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि जब आप ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यही ना, एक छोटे शहर से आई है, गरीब लड़की है, अच्छी स्टूडेंट है, तो चलो इसका बर्थडे तो कुछ प्लान करते हैं ताकि आप अपने नजरों में महान बन सके। चुपचाप बर्थडे पार्टी प्लान की और निकल गए वहां से। किसी के जज्बातों की कदर ही नहीं है आपको, किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह होती ना सर, तो मेरी आजी, मेरी ताई और अपनी आई से मिले बिना नहीं जाते आप। पता है लोग ना अनाथालय जाते हैं कपड़े, कंबल, खाना लेकर। वहां जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, खुद की नजरों में महान बनने के लिए। और आपने भी वैसा ही किया। आप ना सिर्फ ऊपरी दिखावा करना चाहते हैं सर, अंदर से एकदम खोखले हैं। ये क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अचानक से आप ऐसे पार्टी से निकल गए, आपने अपमान किया है मेरी आजी का, मेरी ताई का और अपनी आई का, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी में रुके थे आपसे मिलने के लिए। और इससे भी आपकी महानता की भूख मिटी नहीं कि आपने मेरे कैंटीन का बिल पे कर दिया। आपको ना सर एक बीमारी हो गई है, नेकी कर और दरिया में डाल। बहुत खतरनाक बीमारी है। ओह रियली? इसमें ना इंसान अच्छाई के आड़ में लोगों का दिल दुखाता है, और आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करके मेरा दिल दुखाया है। अच्छा, तो तुम दुखी थी? जहाँ तक मुझे याद है तुम तो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। एसीपी बाजीराव जो आया था वहां पर, हाँ, हालांकि मैंने तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी और सबको इनवाइट भी किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम या शायद तुम्हारे दोस्तों ने एसीपी बाजीराव को कैसे इनवाइट कर लिया। तुम दोनों की हरकत देखी थी, वो जनाब तो खुद को शायर समझ रहे थे और तुम अपने आप को मल्लिकाए भोसले इंस्टीट्यूट समझ रही थी। वो तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जा रहा था और तुम भी उसकी तारीफ करते थक नहीं रही थी। तुमने भोसले इंस्टीट्यूट को लवर्स पॉइंट बनाकर रख दिया था। क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। एक आज मुझे बात साफ साफ बता दो सभी, तुम्हारे और बाजीराव के बीच में कुछ चल रहा है ना? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।